गया हूँ नीचे, मैं बैठ गया हूँ, क्या काफ़ी देर से खड़ा था, तो मैं इसका थोड़ा सा क्लोज लुक दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये है यूके 8 नंबर और यूएस 9 साइज़ में है और 27 सेंटीमीटर और 270 एमएम, और यहाँ पे प्यूमा की आप वो देख सकते हो, यहाँ पे क्यूआर है और ये नीचे है। और इसका जो क्यूशनिंग है भाई, क्यूशनिंग तो भाई पूछे मत, मतलब शानदार क्यूशनिंग। ये देखो इसे क्यूशनिंग देखो कितनी हैवी है और कितनी थिक है, तो क्यूशनिंग में कोई मतलब ही नहीं है, इतनी शानदार है। इसमें आप हमेशा एयर, फ्रेश एयर फील करोगे, हमेशा आता रहेगा। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग सिस्टम, तो ये है। और एक यहाँ भी आर एस रनिंग सिस्टम, आर एस रनिंग सिस्टम मतलब बेजोड़ रनिंग सिस्टम है ये, मतलब ये मतलब एक्सट्रीम अलग ही लेवल का ये शूज आपको बना के दिखाता है। नमस्ते गाइस, कैसे हो, होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके और एक और प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग के लिए। जैसा कि आपने देख लिया होगा सारे बॉक्स से कि मैं किस चीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्यूमा और नाइकी का लवर हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी सारे प्यूमा है। तो मैं आपके सामने आज अनबॉक्सिंग करने के लिए आया हूँ ये शूज, जो आपके सामने मैं इसको अनबॉक्स करूँगा, खोल के दिखाऊँगा क्या है। तब तक मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ये मैं पहले कर चुका हूँ, तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ये शूज है जो अभी अभी कुछ समय पहले फ्लिपकार्ट से आया हुआ, मैंने इसको अभी तक ओपन भी नहीं किया है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जल्दी देखता हूँ फिर अंदर क्या है, कौन सी शूज आई है जो आपको पसंद आएगी। क्योंकि ये शूज मैं काफ़ी दिन से देख रहा था और कल मुझे डील मिली थी तो मैंने इसको मंगा लिया, और ये वन डे डिलीवरी हुई है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो एक और ब्रांड न्यू प्यूमा का शूज आप लोग के सामने बेहतरीन तरीके से मैंने पेश कर दिया है। मुझे पता ऑनलाइन का एक ही सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत यही लगती है कि ये लोग पैकेजिंग पे ध्यान नहीं देते यार। ये देखो पैकेजिंग कैसा दिया है, फटा सा दे दिया है, कैसा भी डब्बा है, लेकिन स्टिल इसको छोड़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पास से दिखाता हूँ। ये हमारा प्यूमा का ये बॉक्स है, 42 UR साइज़ है, US 9 है, इंडियन में 8 नंबर का ये साइज़ मिलेगा आपको। तो ये साइज़ 8 UK 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये मैं 2020 का आर्टिकल है, तो ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन तब भी एक से एक साल सवा साल पहले का ही ये आर्टिकल है। अब मैं खोलता हूँ उसको, प्यूमा का ये ब्रांड, प्यूमा की ब्रांडिंग, और पीछे इनका वो दिख जाएगा शूज़ का, शूज़ कन्वर्जन दिख जाएगा अपने हिसाब से, फुट के हिसाब से। तो ये कन्वर्जन यहाँ पे, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और खुल जा सिम, शानदार। ये देखिए ये खुल गया, मैं आपको क्लोज लुक दे रहा हूँ। ये देखो सोच, ये देखो, अरे इससे बेहतरीन खोज के तो दिखाओ, क्या सोच है। एक्साइटेड? यस, मैं जानता था एक्साइटेड होंगे, लेकिन मैं आपके एक्साइटमेंट को अब ज़्यादा देर नहीं रोकूंगा। ये देखो, ये दिखा दो, दिखा दो, अरे कितनी बार खोल किया गया है भाई, मैं एक बार और दिखाता हूँ क्लोज। अट्टो तरीके, ये देखो भाई क्या है, ये देखो, ये है सूज, देखो तो बेटा सूज है भैया, ये सूज है। अब मैं इसका दूसरा पेयर भी, दूसरा इसका एक पेयर का दूसरा पीस दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, इससे बेहतरीन आर्टिकल नहीं मिलेगा आपको। ये देख रहे हो, ये शूज मैं बता देता हूँ, पूरी तरह से सिंथेटिक और स्वेट लेदर का इसमें उपयोग किया गया है, यूज किया गया है, और इसकी सुंदरता और इसकी बढ़ जाती है। और एक चीज़ और देखो, ये शूज को, ये देखो, ये पूरा सिंथेटिक लेदर यूज किया गया है। और एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको, पहले इसको, पहले इसमें से थोड़ा सा जो कागज़ रखे हूँ उसको मैं निकाल देता हूँ। ये मैं बॉक्स को साइड में डाल देता हूँ अब, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो प्यूमा यूज करते हैं वो दिल थाम के बैठो, क्योंकि इसका वेट थोड़ा भारी मिलेगा आपको। ये थोड़ा भारी है, नॉर्मल कंपेयर शूज जब आप करोगे तो इसका वेट लगभग, मैं जब मैंने वेट किया था, लगभग दोनों जो शूज का आएगा लगभग आपको 400 ग्राम के आसपास या 500 ग्राम के आसपास आएगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता, जब इतना प्रीमियम आप शूज पहनेंगे तो भाई। ये देखो पुलमी, तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ बेहतरीन, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, एक चीज़ बेहतरीन, ये देखो, ये एक और प्यूमा का आरएस है जो मैं कुछ टाइम पहले मंगाया था। ये देखो इसका लुक, ये क्या शानदार है, लगभग 4 महीने हो गए हमको पहनते हुए, इसमें एक डैमेज तक नहीं आया ना एक प्रॉब्लम। मैं इसको लगभग डेली यूज कर लेता हूँ रनिंग के लिए, कितना मैंने इसको मेंटेन करके रखा है, क्यों, क्योंकि मैं सो लवर हूँ, तो ये बेस्ट है। और मैं यही दिखाना चाह रहा था, इस वाले में देखो ये जो बना हुआ है,
पुल मी, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है पुल मी, इसको ताकि कंफर्ट के लिए, ताकि आप अच्छे से इसमें आप पैर को रख सकें। तो ये था, इसको मैं हटाता हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग मैं देख चुका हूँ पहले से। तो ये शूज है और ये देखो, ये कैनवास पूरी तरह से यूज़ किया गया है इस तरह से, और इसमें ये जो कलर कम्बिनेशन, इसमें ब्लैक है, वाइट है, ऑरेंज कम्बिनेशन है ये पूरी तरह से, और ऊपर थोड़ा सा हल्का मतलब लाइट ग्रे कलर का कम्बिनेशन यूज किया गया है। और ये थोड़ा सा फिनिशिंग जब इसके आगे की ओर देखोगे, तो ये जो आपका सिंथेटिक लेदर यूज़ किया गया, ये मेस, इसका सबसे बड़ी चीज़ ये मेस होता है, जो हाई क्वालिटी का मेस यूज़ किया गया है। और ऊपर की ओर, और ये मैं इसका वो पूरा निकाल देता हूँ, सुझे ये ऊपर की ओर आपको प्यूमा की ब्रांडिंग दिख जाएगी। एक चीज़ मैं बताऊँ यार, इसमें मुझे एक थोड़ा ड्रॉबैक भी लगा कि इसके पहले जो मैंने शूज़ मंगाया था, तो यहाँ पे प्यूमा की ब्रांडिंग जो थी, यहाँ पे साफ साफ देखो RSX लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ भी प्यूमा की ब्रांडिंग थी जो हाईलाइट होती थी, जो सोचते कि मैं प्यूमा अगर यूज़ कर रहा हूँ तो हाईलाइट होना चाहिए, तो इसमें ये नहीं है। इसमें पीछे की ओर आपको कोई नहीं दिखेगा, लेकिन यार जो प्रीमियम ब्रांडेड का शूज़ यूज़ करता होगा दूर से ही देख लेगा, यार इससे प्रीमियम क्या मिलेगा यार। और ये देखो, अब नीचे जब देखो आओगे तो नीचे का देखो, वाह, दिल क्या, आपका दिमाग क्या, आपका हर चीज़ खुश हो जाएगा, इतनी शानदार है। यहाँ पे लिखा हुआ रनिंग सिस्टम, तो ये शू की क्वालिटी है, ब्लैक वाइट ऑरेंज, और यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक दे दिया रनिंग सिस्टम, तो ये पेयर है। मैं कुछ टाइम में, मैं लगभग 1 से 2 मिनट के बाद मैं दिखाता हूँ, इसको पहन के दिखाता हूँ, इसका कम्फर्ट लेवल दिखाता हूँ कितना ये कम्फर्ट है, और इसका लेस भाई शानदार। बस इसमें थोड़ा सा आपको बस एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि इसको जब भी पहनने बाहर जाएँ तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ऑब्वियसली वाइट है तो गंदा होगा, तो इसको हर बार धुले ना, इसको नॉर्मल कपड़े से लेके इसको केवल साफ कर दें, ठीक है। बार बार आप जितने ज़्यादा इस पर ब्रश यूज़ करेंगे, इसका मेस खराब होने के चांसेस है, इसका जो कैनवास यूज है वो खराब होने के चांसेस है। तो अभी मैं पहन के अपने पैरों में दिखा देता हूँ इसका कैसा दिखता है दूर से। तो मैंने शूज आपको दिखाया, क्लोज लुक दिखाया, मैं चल के भी दिखाया, मैं जंप करके दिखाया, मैं स्लो मोशन करके भी दिखाया। मैं बताऊँ, इतना मतलब इतना अच्छा इसका कुशनिंग है, इतना अच्छा कुशनिंग है कि आप अपने पैरों को कभी भी थकता हुआ फील नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ। इसका नाम ही है RS रनिंग सिस्टम है, आप इसे पहन के लगभग 4-5 किलोमीटर भी रनिंग करते हो तो आपको कम्फर्ट ही फील कराएगा। एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, एक सेकंड बस, आप कुछ समय मतलब 15 दिन पहले मैंने ये सेल्फेज मंगाया था, मैंने बोला ना मैं प्यूमा लवर हूँ तो सेल्फेज मंगाया था। ये देखो, इसका भी ये क्लोज लुक देखो, ये भी शानदार होता है, लेकिन मैं इसको बताऊँ, मैं लगभग 3-4 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ, तो लगभग मतलब 3-4 किलोमीटर पैर में फील होता है, मतलब हल्का हल्का मतलब स्ट्रेन जैसा फील होने लगता है, ठीक है। तो स्ट्रेन जैसा फील होने लगता है, तो लेकिन जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे वैसा फील नहीं होता है, मुझे तनाव फील नहीं होता है पैरों में, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने इसका दूसरा ये मंगाया। अब मैं लास्ट में बता देता हूँ कितने का पड़ा ये शूज़। तो ये शूज़ मैंने एक्सक्लूसिवली EOSS इंड ऑफ सीजन सेल के तहत फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है, और ये शूज़ मुझे मात्र 3300 रुपीज़ का मिला है। आप अगर कार्ड है आपके पास एक्सिस बैंक का, चाहे RBL बैंक का, चाहे कोटक बैंक का, तो आप एक्स्ट्रा इस पर 10% ऑफ ले सकते हो, लेकिन बेस्ट है। और दूसरी चीज़, मैंने इसको आते ही चेक कर लिया था, मैंने QR स्कैन करके चेक कर लिया था क्या ये फेक तो नहीं है, तो ये ऑफिशियल साइट पे सेम शूज खुल के आ गया था, तो फेक वाली ऐसी बात नहीं है, फ्लिपकार्ट वैसे भी जेन्युइन प्रोडक्ट ही देता है, निकल जाता है। ऑब्वियस यार, ये गलती सबसे होती है, तो 10 में से 1 या 100 में से 1 गलती हो जाती है, लेकिन मेरे केस में आज तक मेरे साथ फ्रॉड ऐसा नहीं हुआ है। तो ये था शूज इम्प्रेशन शूज का, ये काफ़ी शानदार है। तो ये शूज है, मैं इसका भी लिंक आपको डलवा दूंगा नीचे, आप उसको देख लेना, और आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आपको अच्छा लगा इस पार्ट में, और क्या आप एक्स्ट्रा चाहते हैं जो मैंने मिस कर दिया है। तो ये शानदार है, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये शूज था प्यूमा RSX मिक्स था, जो मैंने एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट से मंगाया है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।